जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कमांडो एकेडमी पर। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास में मैसेज भी आए हैं, आप खुद देख लेना इस वीडियो के नीचे भी, और बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते हैं लगातार कि एसएससीटी का फिजिकल नहीं होगा। ये कईयों ने बोला मेरे, इसके पीछे रीजन क्या, जबकि मैं आपको बताऊं कि कल के दिन में हमारी जो अकेडमी उसमें कम से कम 8 से 10 बच्चे आए हैं जो एसएससीटी जिनका फिजिकल कब है, मैं आपको बताऊं 26 मई, यानी 26 मई 27 मई यहाँ पर, और उनका भी यही क्वेश्चन है कि फिजिकल नहीं होगा। पहले तो मैं बता दूं, बहुत सारे बच्चे, मैं शुरू से बताया था, मैंने कहा 15 मई से आपके फिजिकल शुरू हो गए, जब कोई अपडेट नहीं दिया तब की मेरी अपडेट दी हुई है, और वो वीडियो आप जाके देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब एसएससीजीडी के बारे में 100% जानकारी आप मेरे से एडवांस में ले सकते हो, किसी भी मेरे वीडियो में बताई गई कोई भी बात झूठी नहीं निकलेगी, इसकी 100% गारंटी। साथ ही एक चीज और बता दूं लाड लो कि एसएससीजीडी 2023 के लिए हमने अभी से गारंटी बेस लॉन्च किया है, अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है तो 100% फीस वापस, 100% फीस वापस अगर आपका सिलेक्शन नहीं होता है एसएससीजीडी 2023 में। उसका एक परिणाम मैं आपको बता दूं कि एसएससीजीडी 2021 में हमारे अकाउंट में से 40 बच्चे पास है, तो ये गारंटी इसी को बोलते हैं, गारंटी बेच इसी को बोलते हैं भाई, कि अकाउंट में से 40 बच्चे पास। अब फिजिकल नहीं होगा ये क्यों, देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको लगता है कि 5 किलोमीटर का जो समय है, 5 किलोमीटर जो दूरी है, इसके लिए जो समय 24 मिनट, ये घर पर बहुत सारे बच्चे या तो इतने दिन रनिंग नहीं कर रहे थे, उनको एक क्वेश्चन है कि सर फिजिकल नहीं होगा हमसे तो हमारा पता नहीं क्या हाल होगा। कुछ जैसे मान लो जो राजस्थान के आसपास के, उनको गर्मी का डर है, कहीं ठंड का डर है, कहीं को ऊंचाई का डर है, कहीं सोच रहे हैं कि एक ग्राउंड में हमको राउंड लगाने, तो मैं आपको बता दूं पहले, सबसे पहले बात हो कि 5 किलोमीटर रनिंग आसान क्यों, उसके पीछे रीजन, पहले तो ये लॉन्ग रनिंग होती है और ये रोड पर रनिंग होगी, यानी फुल मजबूत जगह पर रनिंग होगी, तो आप आसानी से रनिंग कर सकते हो, कहीं कोई रेत वेत मिट्टी विट्टी नहीं है। दूसरी बात, आपको 5 किलोमीटर जो रनिंग करोगे इसमें आपको ये मान के चलिए कि हर 1 किलोमीटर पर, 1 किलोमीटर की मैं बात करूं, हर 500 मीटर पर आपको वहां पर फौजी भाई फुल मोटिवेट करने के लिए रहते हैं, और साथ ही आपके पानी वानी की सब पूरी व्यवस्था है। साथ में आपको मैं कुछ चीजें बता रहा हूं कि आप जब रनिंग करने जाओ उससे एक दिन पहले से या दो तीन दिन पहले आप ग्लूकोन डी लेने लग जाइए, ठीक है, ग्लूकोन डी आप लेने लग जाइए ताकि आपका शरीर पहले से तैयार हो। दूसरा, जिस दिन आपका फिजिकल हो उस दिन आप इलेक्ट्रोलाइट आता है, ठीक है, इंस्टेंट एनर्जी के लिए, जो कि बहुत ही अच्छा चीज है, आपको डिहाइड्रेशन नहीं होगा बॉडी में, ग्लूकोन डी की तरह है, ग्लूकोन डी धीरे धीरे काम करता है और थोड़ा फास्ट करता है। तो जैसे मान लीजिए आज आपकी है तो आप मॉर्निंग में इसको ले सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट ऐसा कुछ नहीं, इलेक्ट्रो एक पाउडर होता है जो कि आपके शरीर में एनर्जी देता है, या धूप धूप में कहीं दौड़ रहे हो तो आपको शरीर में पानी की पूर्ति करता है जल्दी से, ठीक है, इलेक्ट्रो करके ही आता है प्रोडक्ट, ये आप ले सकते हो, 18 रुपए के आसपास का आता है, ठीक है, और ये कोई ऐसा नहीं कि इसकी कोई मतलब ये नशा वशा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, जैसे ग्लूकोन डी है उसी प्रकार ये इसको ले सकते हो। हर 500 मीटर पर एक फौजी भाई रहता है आपको मोटिवेशन करने के लिए, फुल लॉन्ग रनिंग, आपको 2.5 किलोमीटर जाना है, वो 2.5 किलोमीटर ही वापस आना है। अब जहां पर धूप ज्यादा है मैं आपको बताऊं, वहां पर लगभग आपकी 10 से 11 बजे से पहले पहले रनिंग कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है, मैक्सिमम बेस वहां मॉर्निंग में जल्दी बनाए जाएंगे, ठीक है। अब वैसे तो अलग आपको टाइम लिखा हुआ, उस दिन आप जितना जल्दी हो सके वहां पहुंच जाइए, और 10-11 बजे से पहले पहले वो जल्दी से जल्दी कोशिश करते हैं कि बेस को खत्म करें जहां पर धूप ज्यादा है, ठीक है, और लॉन्ग रनिंग रहती है तो आपको पता है 2.5 किलोमीटर जाके वहां से टोकन लेके वापस आना रहता है, 24 मिनट का समय है। जो बच्चा अभी तक नहीं दौड़ा, अगर वो 10 दिन भी तैयारी कर लेगा, मेरी गारंटी है वो रनिंग पास कर लेगा, अगर केवल 10 दिन तैयारी कर लेगा, ठीक है, केवल 10 दिन अगर वो तैयारी कर लेगा तो रनिंग पास कर लेगा, ये मेरी गारंटी है। तो जिन भी बच्चों के जहन में ये क्वेश्चन है कि फिजिकल नहीं होगा, तो मैं बताऊं ये दूर कर दीजिए आप, बस आप पूरे उत्साह के साथ, पूरी उम्मीद के साथ और पूरे जोश के साथ आप जाइए, और वहां पर आपको इतने फौजी भाई मिलेंगे कि आप मोटिवेशन से ही दौड़ लोगे। मैं आपको बताऊं लगभग 90% रिजल्ट रहता है रनिंग का, तो आप इस चीज के लिए चिंतित ना होइए, लगभग बच्चे पास हो जाएंगे, ठीक है, 10% भी हो जिनके पैर वेर में छूटा, तो आप आसानी से फिजिकल निकालोगे, ये गारंटी है मेरी। जय हिंद, जय भारत लाडलो।